जल निगम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले सिविल कोर्ट अधिवक्ता सभागार गोरखपुर में रविवार को उत्तर प्रदेश जल निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों की गोष्ठी आहूत की गई। इस दौरान गोष्ठी में मुख्य रूप से केएन तिवारी, इंजीनियर राजेश्वर सिंह, डॉक्टर सुधाकर पांडे, अजय शंकर श्रीवास्तव, मोहम्मद रफी खान, एसएन त्रिपाठी, लाल चंद चौरसिया आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए संतोष कुमार मिश्र ने कहा, अगर सरकार में कोई उपाय के बाद हमारा चरण पड़ेगा तो हम आपको लेकर चलें। इसलिए हमारे सुधाकर पांडे जी तीन चार के प्रति साहब आवे और आपके पड़ोस के मुख्य कर्मचारी अधिकारी वर्कर जिन्होंने अपनी मेहनत करके इस डिपार्टमेंट को यहाँ आगे तक पहुँचाया है, कम से कम उनका तो ख्याल रखें। संतोष कुमार मिश्र में उत्तर प्रदेश जल निगम की दशा दिशा इस समय इतनी दयनीय हो चुकी है कि इसमें आज कर्मचारियों के जो सेवानिवृत्त हैं, जो सेवा में हैं, उन लोगों को न तो पेंशन मिल रहा है, न उनको वेतन मिल रहा है, न उनको ग्रेच्युटी मिल रही है, न उनका जीपीएफ उनको दिया जा रहा है। उनके लड़के सड़क पर भूख से सड़क पर उतरने को मजबूर हैं, बच्चों का विद्यालय में दाखिला नहीं हो पा रहा धन अभाव के कारण, उनके रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है, परवरिश का सवाल है। ऐसे में उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारी सेवा से निवृत्त हैं या जो सेवा में हैं, उन सब लोगों ने भुखमरी के कगार पर आने की स्थिति में निर्णय लिया है कि इस पर हम लोग विचार करके एक संघर्ष के रास्ते पर माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय को मंडलायुक्त के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा और ज्ञापन के माध्यम से अपनी पीड़ा दर्द को उनसे बताया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में हम सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं।